नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वर्टर, नया इन्वर्टर कनेक्शन, वायरिंग कनेक्शन कैसे किया जाता है बैटरी के साथ। तो आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं और इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, ये नया एक इन्वर्टर आया है, इस मकान में आज गृह प्रवेश है। तो इसका कैसे कनेक्शन किया जाता है इसका सारे डायग्राम दिखाने वाले हैं। और इसका नया देखिए, मेरा इन्वर्टर निकाला गया है और बैटरी भी पैकेट से निकाला गया है। बैटरी के साथ कौन से सामान दिया गया है, और देखिए ये बैटरी है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इसका मार्क किया हुआ है, और किस तरह से कनेक्शन किया जाता है देखिए। और ये देखिए, इसमें इन्वर्टर में दो ठो केबल दिया गया, एगो रेड एगो काला। तो इसको कैसे हम लोग कनेक्शन करेंगे, तो पूरा वीडियो में बने रहिए, देखिए दिखाते हैं। इस बैटरी में और क्या दिया गया देखिए, एक इसमें जो केबल को कनेक्शन करते हैं उसको, जो टर्मिनल है उसको ढकने के लिए, जिसे गंदगी ना जमे, इसलिए उसको दिया गया है कवर। और इसमें देखिए, इसका दिया है फ्लूट लेवल इंडिकेटर, जिसमें हम बैटरी का पानी कितना है इसको देखा जाएगा इससे। और इसमें है सिलिका जेल, जिससे मॉइस्चर बैटरी में ना पकड़े, गंदगी ना बैठे, इसलिए भी दिया गया है, और जंग ना लगे इसके बार में, तो इसके लिए दिया जाता है। तो ये देखिए, एक नाट बोल्ट दिया है इसमें टाइट करने के लिए, जो बैटरी का टर्मिनल है इससे नेगेटिव पॉजिटिव टाइट होगा। तो किस तरह से टाइट किया जाता है और कौन से केबल कौन साइड में लगेगा, ये आज दिखाने वाले हैं। तो देखिए, इस बोर्ड इस दो जगह मेरा इन्वर्टर लगेगा, अभी फ़िलहाल एक तो आया है, लेकिन मेरा दो ठो इन्वर्टर लगेगा। इसमें मेरा चार तल्ला मकान है, दो ठो फ्लैट के लिए और दो ठो अपना दुकान का स्टोर है, उसके लिए एक अलग इन्वर्टर लगेगा। तो दो को मैं बोर्ड लगाया है इलेक्ट्रिकल के, जिसमें चार्जिंग बैटरी चार्ज होगा और बैटरी का कनेक्शन जो लाइन आउटपुट कनेक्शन होता है उसके लिए दिया गया है। तो देखिए हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, ये पीछे साइड है इनपुट, इसमें एक तो सॉकेट है जिससे मेरा इन्वर्टर जो बैटरी लाइन निकलेगा इसमें दिखाया जाएगा। इस देखिए, मेरा ये फ्लोट लेवल जो इंडिकेटर है उसमें लगाया जा रहा बैटरी में पानी, इसका जितना लेवल नीचे आएगा उतना समझिए आपको पानी कम होते जाएगा, जितना पुराना होगा उतना पानी सूखेगा, तो उस हिसाब से आपको पानी डालना पड़ता है, ठीक है। तो उसका देख के आपको लेवल देख के आपको पानी डालना पड़ेगा, आपको बैटरी में पानी है कि नहीं है। तो इस तरह से टाइप खोल के, जो ढक्कन है इसको खोल के, और फूट लेवल जो इंडिकेटर है उसको लगाना पड़ेगा। और इसमें देखिए, पॉजिटिव को नेगेटिव को लगाया गया जो काला केबल है, उसके बाद मेरा बैटरी लाइन चार्जिंग हो गया कनेक्शन और मेरा इन्वर्टर चालू है। अब इनपुट को हम कैसे कनेक्शन करते हैं, देखिए ये देखिए मेरा इनपुट का है, इसमें चार्जिंग लाइन, और देखिए इनपुट में हम चार्जिंग पॉइंट काला वाला जो केबल है उसमें चार्ज हो रहा, और सादा वाला जो टॉप है उसमें इनपुट है। तो डायना साइड में, जिधर डायना साइड आपको लेफ्ट साइड है, उसमें लाइफ लाइन